5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट था, जो टेबल गिवन थी आपको ओल्ड बुक में भी और न्यू बुक में भी। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट गिवन हैं, ठीक है, जिसके अंदर गिवन है कि भाई सीरीज दे रखी है आपको दोनों ही पार्ट में। एक पार्ट में ये सीरीज गिवन है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। इस सीरीज की 30th टर्म क्या होगी, ठीक है। सिमिलरली दूसरी सीरीज जो गिवन है आपको -3, -1, -1.5 और 2, ठीक है, इसकी 11th टर्म क्या होगी, सामने लिख दिया 11th टर्म और 30th टर्म। कुछ भी आपको सॉल्व करना हो एपी का, कोई सी भी टर्म निकालनी हो, ए और डी होने चाहिए बस, ठीक है। ए है दोनों ही सीरीज में, ए है हमें बेसिकली ये 30th टर्म निकालनी है, और 30th टर्म मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी, मतलब जो भी आपको टर्म निकालनी हो तो डायरेक्टली लिख दो ए प्लस 29D, इसी तरह से ए प्लस 10D। तो दोनों ही सीरीज की फर्स्ट टर्म तो गिवन है ही, क्या नहीं है, इसका डी नहीं है, इसका भी डी नहीं है, तो इसका भी डी निकाल लो, यहाँ ला कर रख देना दोनों इकट्ठा, ठीक है। इसका डी a2 - a1 कितना आंसर आएगा, -3। ये इसका डी आ गया, ठीक है। इसका डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दो साइन एक साथ आ नहीं सकते, है ना, आ जाएंगे कभी भी, तो मल्टीप्लाई का साइन डालिए, 1/2 -3, हाफ माइनस का है प्लस का 3 है, 3 में से आधा गया 2.5, और 2.5 को कैसे लिखते हैं, 5/2। पॉइंट में हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि हमें सीरीज पॉइंट में नहीं दे रखी है। अगर सीरीज पॉइंट में दे रखी होती तो हम सारे आंसर कोशिश कर देंगे कि पॉइंट में ही आए, अगर आने वाले होंगे तो, ठीक है। यहाँ पर फ्रैक्शन में दे रखा तो हम आंसर भी, डी का आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो डी फ्रैक्शन में लिखेंगे, पॉइंट में नहीं लिखेंगे फिर, ठीक है। तो दोनों ही सीरीज की आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया, अब यहाँ ला कर रखिए और आंसर निकाल लीजिए जल्दी से। चलिए जी, आपने इसके दोनों के आंसर निकाल लिए, दोनों पार्ट के, एक का आंसर निकाला आपने 77, माइनस का 77 एंड सेकेंड इज 22, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन कराने के बाद फिर दोबारा से कराऊंगा इसको, ठीक है, थोड़ी सी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको सीरीज गिवन है, ध्यान से देखिए एंड सो ऑन 78 विच टर्म ऑफ NAP, जब भी ये वर्ड आ जाए आपके सामने विच टर्म ऑफ NAP, समझ जाना कि आपको N निकालना है। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है एंड सो ऑन, ये कौन सी है, कौन सी, विच टर्म, उसका मतलब N। तो AN का फार्मूला यू लिखेंगे सबसे पहले, अगर आपका ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है तो आप जैसे जैसे आप सॉल्व करिए रफली, वो आपकी अपनी मर्जी है, बट सब्जेक्टिव आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना दे रखा है, लास्ट टर्म 78, ए 3, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 की जो टेबल एक सॉल्व करी थी, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 की, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे, उसमें एक इस तरह का भी तो क्वेश्चन है, जब आपको ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन निकालना है, कौन सा पार्ट है बताइए देखकर, फोर्थ पार्ट, सेम उसी तरह से इसमें भी करना है, उसमें डी सब गिविन था, ए एन गिविन था, सब कुछ गिविन था, बस आपने जस्ट फॉर्मूले में इंसर्ट करना था, है ना। यहां पर आपको डी नहीं दे रखा, सिर्फ डी निकाल कर रखना है, इतना फर्क है। डी कितना हो गया, 5 के कशा 5 होगा, -5 होगा, क्यों,
जी, और फिर ये भी कह सकते हो सर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5, ठीक है। सबसे पहले 3 लिया का माइनस करिए 75 बन जाएगा, फिर 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दीजिए एंड माइनस 1 बचेगा, काटेंगे इसको 15, ये इधर आएगा प्लस 1 इक्वल टू एन विच इज इक्वल टू 16। बस, यानी इस सीरीज की ये सोल्व टर्म है। कोई दिक्कत? इजी है ना। इसी को ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपने पहले टेबल करी है यानी क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छे से करी होती तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती, या आप घर बैठ कर खुद ब खुद करते। चलिए, अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसी बात पर आप करिए क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम है। दो सीरीज दे रखी हैं, दोनों सीरीज की फर्स्ट टर्म अलग है, दोनों ही सीरीज का डी अलग है, ठीक है। एक सीरीज की लास्ट टर्म दे रखी है 205, दूसरी सीरीज की लास्ट टर्म दे रखी है -47। तो 205 कौन सी टर्म पर आ रहा है, माइनस का 47 कौन सी टर्म पर आ रहा है, आपको ये बताना है। करिए 15.5 एंड सो ऑन -47, है ना। तो डी आपने निकाला 15.5 -18, तो 15 × 2 = 30 +1 = 31/2 -18, ठीक है। एलसीएम लोगे 36/2, तो माइनस का 5/2, ठीक है। अब ए एन के अंदर हम रखेंगे माइनस का 47 क्योंकि लास्ट हम दे रखी है आपको, ए वन 18 है, प्लस एन माइनस 1 डी आपने निकाला है -5/2। अगर आप इस 2 को उधर भेजना चाहते हैं तो गलती है डायरेक्टली, या तो इसके साथ पहले आप एलसीएम में लेकर आइए इस 2 को, या इसको थोड़ा वेट कराइए, इसको भेजिए कि भाई थोड़ा अभी यहाँ पर वेट कर, ठीक है। तो n माइनस 1 इधर बचा और माइनस का 5/2 यहाँ पर अभी फ़िलहाल है। ये कितना हो गया, माइनस माइनस 65, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस 5/2, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, मैं इसको इधर भेज रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो इसका रेसिप्रोकल होकर जाएगा उधर 2/-5 एंड माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 13 × 32 = 26, माइनस 1 उठ कर इधर आ गया प्लस 1 हो गया और एन इक्वल टू 27। तो इस सीरीज की -47 जो है वो 27वीं टर्म है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, प्लीज़ बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पूरा चैप्टर का दारोमदार इस कॉन्सेप्ट पर है जो मैं बताने जा रहा हूँ, यानी 90% आपका कवर होने वाला है चैप्टर। कॉन्सेप्ट क्या है आप समझिए कि जब आपको दो रेंडमली टर्म गिविन होंगी, रेंडमली कोई भी दो सीरीज दे दी, सीरीज एक ही होगी, उस सीरीज की सेकेंड टर्म दे दी 50वीं टर्म दे दी, दूसरी दे दी 9वीं दे दी, चौथी दे दी 8वीं दे दी, बीच में काफ़ी गैप है जिससे आप डी ना निकाल पाएँ डायरेक्टली, है ना, ना आपके पास फर्स्ट टर्म है और ना ही कोई लगातार कोई कंसेक्यूटिव टर्म भी नहीं होंगी जिससे आप डी निकाल सकें। उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा, हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, उसमें एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, वो अप्लाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th, 7th के बाद एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, 8, 9 के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड 31st टर्म, 31st टर्म निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7, A31 निकालनी है, ठीक है, ऑफ द सीरीज होज 11th टर्म इज 38, 11th टर्म 38 है एंड 16th टर्म इज 73, 16th टर्म
73 है, कोई कॉन्जिक्यूटिव टर्म तो है नहीं। कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब दो लगातार कोई भी टर्म आ जाएगी, माइनस कर दे तो डी निकल जाता डायरेक्टली। अब क्या करें, बीच में गैप है। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई 11 टर्म बनती कैसे है। ए प्लस 10D करके इज इक्वल टू 38। इसी तरह से सॉल्यूट टर्म कैसे बनती है, ए प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब आप याद करिए एलिमिनेशन मेथड को, चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो हमने पढ़ा था, ठीक है, जब हमें कॉफिशेंट सेम बनाने होते थे। यहाँ ऑलरेडी सेम है 1-1 कॉफिशेंट, x की जगह a है, y की जगह d है, क्या फर्क पड़ता है, क्या लिखना होता है हमें, सबट्रैक, साइन चेंज करने होते हैं। सब प्लस के तो सब माइनस के हो गए, कैंसिल हो गए लो, क्या बचा, माइनस का 5D और माइनस का 45, डी इज इक्वल टू 7, ठीक है, समझ में आ गया। अब याद करिए जब हमारे पास x या y की वैल्यू आया करती थी तो हम उसके बाद क्या करते थे, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, चाहे फर्स्ट में रखो या चाहे सेकंड में रखो, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट है क्या, a प्लस 10d इक्वल टू 38 है, तो a प्लस 10 इंटू 7 38, 70 या का माइनस करा, 38 माइनस 70 कितना बचेगा, माइनस का ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब कोई सभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमसे क्या पूछा गया था, 31st टर्म क्या होगी उसी सीरीज की, 31st टर्म क्या होगी, यानी a प्लस 30D करके बनेगी वो, राइट, माइनस का 32 प्लस का 30 × 7 माइनस 32 प्लस 210 कितना बचेगा, जल्दी बताओ। तो उस सीरीज की 31st टर्म 178 होगी, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट कब यूज होगा, जब कोई दो रैंडमली टर्म गिवन होंगी, उन दोनों रैंडमली टर्म को हम प्रॉपर वे में लिखेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, ए और डी का आंसर निकालेंगे, और जो टर्म पूछी जाएगी उसमें रख दिया जाएगा, या सीरीज बनाने के लिए बोल सकते थे, हो सकता था इस क्वेश्चन में बोलते डिटरमाइन एपी का मतलब एपी बताओ क्या होगी, तो शुरू की 3-4 टर्म्स लिख देते हम, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, बस ठीक है, उतारिए जल्दी से। उतारने के फौरन बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 पर थोड़ा गौर करिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, उसके 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, बीच की वाली टर्म नहीं है, बीच में कौन सा टर्म है, सेकंड नहीं है, तो सेकंड बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, ए और डी, ए तो गिवन है ही, देखो ध्यान से, है ना, तो डी कहाँ से आएगा, थर्ड टर्म से, थर्ड टर्म ये 26 जो लिखी हुई है ये कैसे आई होगी, ये ए प्लस 2D करके आई होगी है, तो ए दे रखा है आपको, उसमें वैल्यू पुट करना, डी आंसर निकल जाएगा, जब डी आ जाएगा तो सेकंड टर्म बन जाएगी। सेकंड टर्म कैसे बनेगी अब्दुल्ला, सेकंड टर्म किस तरह बनेगी, 31st टर्म कैसे बनेगी, उसी तरह से सेकंड टर्म बनेगी। सेकंड टर्म कैसे बनेगी, यूसुफ, ए प्लस बी करके, बस सेकंड पार्ट में सीखे, ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म नहीं गिवन, सेकंड गिवन है, थर्ड टर्म गिवन नहीं है, फोर्थ गिवन है, दो रैंडमली टर्म गिवन है, बिल्कुल सेम इसी तरह से ए और डी आ जाएगा, ए और डी आ गया तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म आ गई, पहला आंसर आ गया। थर्ड टर्म निकालनी है, जुबेरिया थर्ड टर्म कैसे बनती है, ए प्लस 2D, बस इसी तरह से सारे क्वेश्चन ये पार्ट हो जाएंगे, जल्दी से उतारिए आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आई होप के सबके हो गए होंगे सारे पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर सिक्स वो मैं बता रहा हूँ आपको, देन क्वेश्चन नंबर सिक्स खुद करेंगे आप। सीरीज की मैंने आपको 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लीस्ट ऑफ द नंबर 301। व्हाट डज इट मीन? आपको ये चेक करना है क्या इस सीरीज की, ये जो 301 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये क्या इस सीरीज की कोई टर्म है? अब आहिस्ता 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 बढ़ती जा रही है ना सीरीज, है 300 तक भी पहुंचेगी, उससे ज्यादा भी जाएगी। क्या 301 इस सीरीज में आएगी या नहीं आएगी, आपको ये चेक करना है, ठीक है? चलिए सबसे पहले डी निकालते हैं, 11 माइनस 5 विच इज 6, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की जगह 301, ए 5, नंबर ऑफ टर्म्स हम निकालने जा रहे हैं, डी 6। माइनस 5 करा, एन माइनस 1 को अभी फिलहाल ये छोड़ दिया, ठीक है, इंटू में 6 कितना बचेगा, 296 डिवाइडेड बाय 6 एन माइनस 1। बताइए कट रहा है या नहीं, पहले दो से काटने की कोशिश करते हैं, 3 ज़ा 148 ये आएगा, इससे ज़्यादा कट रहा है तो बताइए, जल्दी से बताइए, हाँ हाँ जी, चलो माइनस वन को इधर भेजने के बाद देख लेते हैं, एलसीएम लोगे 3 कितना आएगा, 151। अब देखिए काट कर, नहीं कटेगा, ठीक है, याद रखिएगा एन नेवर इन नेगेटिव, एन नेवर इन फ्रैक्शन, एन नेवर इन रूट, एन नेवर इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है, ना पॉइंट में आएगा, ना रूट में आएगा, ना अपॉन में आएगा, और ना ही नेगेटिव आएगा, आएगा तो हमेशा नेचुरल नंबर, ठीक है, एन का आंसर जब भी आएगा नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। क्या ये हो सकता है कि 15.5 टर्म्स को प्लस करो, बताओ कितना आएगा, ये क्या बात हो गई, 15.5 टर्म्स हैं, 12.5 टर्म कौन सी है, ऐसा कभी हो सकता है, हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो एन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, अपॉन में नहीं आएगा, रूट में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, आंसर आएगा तो हमेशा नेचुरल नंबर में इसका आंसर आएगा, तो आंसर इस वक्त ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 301 इस सीरीज का पार्ट नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, 301 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस सीरीज, बस। अब सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये आपका काम खुद का है, आप करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक सीरीज जिसमें 50 टर्म्स हैं, विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी थर्ड टर्म 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106 और आखिरी टर्म 106 है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा ये कि भाई 50 टर्म है, क्वेश्चन नंबर 8, थर्ड टर्म आपको दे रखी है 12, लास्ट टर्म 106, तो आखिरी टर्म होगी कौन सी, 50वीं तो होगी, जब टोटल 50 टर्म है तो आखिरी टर्म कौन सी, 50 हुई, यानी A50, ठीक है, कितनी 106। अब इसी सीरीज की आपको बतानी है 29वीं टर्म, 29th टर्म हो जाएगा, होपफुली हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में थर्ड टर्म 9 एंड नहीं सॉरी
थर्ड टर्म है दे रखी है 4 और नाइन टर्म दे रखी है -8। ठीक है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस सीरीज की जिसकी थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है, उसी सीरीज की 0 कौन सी टर्म होगी? हो सकता है उस सीरीज के अंदर 0 आ रहा हो, है ना, जैसे इस सीरीज के अंदर हमें पता नहीं है 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं 6-6 करके आगे बढ़ रहा हूँ तो 6-6 करके पीछे भी तो जा सकता हूँ, तो 5 में 6 माइनस करो कितना बचेगा? -1। तो -1 यहाँ पर -1 आएगा इससे पहले, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि 0 क्या इस सीरीज का पार्ट है, 0 आ ही नहीं रहा। ठीक है, इसी तरह से इस सीरीज में कहीं ना कहीं 0 आ रहा होगा, तभी तो पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी। जो अननोन टर्म होती है, जो लास्ट टर्म होती है, वो हमेशा ए एन होती है। अननोन टर्म को भी हम ए एन से डिनोट करेंगे हमेशा। ठीक है, इस सीरीज की हमें ये बतानी है कि कौन सी टर्म 0 होगी। तो सेम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है, ए और डी का आंसर निकालना है, ए एन के फार्मूले में रखना है, आंसर निकालना है। इसी में सेम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे और 29th टर्म आपसे पूछी गई थी, आपको बताना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10th के बाद मैं डायरेक्टली कराऊंगा 16, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, इफ 17 टर्म ऑफ द एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। सना क्या मीनिंग हो इसके? हाँ जी, मीनिंग बताइए इसके, तर्जुमा। के कशा नो वे नो नो यूसुफ, ये है कि एक एपी है जिसकी 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, यही तो लिखा हुआ है, यही तो मीनिंग निकलेंगे इसके। और क्या निकलेंगे? 17 टर्म एक्सीड 10 टर्म बाय 7। तो 17 टर्म ज्यादा है 10, कितना ज्यादा है 7? 7 किससे ज्यादा है? 8n से। ठीक है, 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है 17वीं टर्म, जो 17वें नंबर पे जो आ रही होगी, चेक करा। अब ये 17वीं जो टर्म है 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, हिंट दे दिया। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो याद रखिएगा डायरेक्टली डी निकलता है हमेशा। ठीक है, एक्सीड की जगह लेसर देन का भी वर्ड आ सकता है, लेस देन का भी वर्ड आ सकता है। ए 17 ए प्लस 16 डी ए प्लस 90 इज इक्वल प्लस 7, ए से कैंसिल, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, 7D इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 1। आपसे पूछा गया फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आंसर आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब क्वेश्चन नंबर 16 पर जंप करिए डायरेक्टली, क्वेश्चन नंबर 10th के बाद। डिटरमाइन एपी, एपी मालूम करिए। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना तो फर्स्ट 3 या 4 टर्म्स लिख देना, पहली दूसरी तीसरी चौथी टर्म्स लिख देना, बस आएंगी कहाँ से वो टर्म्स। आगे क्या बोला गया है, हुज थर्ड टर्म 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जिसकी थर्ड टर्म, हुज थर्ड टर्म इज 16। अब आगे जो हिंट दिया गया है उसके बारे में देखिए, सेम यही क्वेश्चन नंबर जो 10 अभी हमने करा है वही लगेगा आपको। द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12।
क्या मतलब हुआ, जो सातवीं टर्म है इस सीरीज की, जिस सीरीज की थर्ड टर्म 16 है और सातवीं टर्म पांचवीं टर्म से 12 ज्यादा है, सेम कॉन्सेप्ट है या नहीं? तो पहला काम क्या करेंगे, यहां से हम सॉल्व करेंगे सेम हेयर, बिल्कुल जो हमने सॉल्व करा इस तरह से, सेम इस तरह से हम यहां पर अप्लाई करेंगे, डी आंसर आएगा, डी का जो आंसर आएगा वो थर्ड टर्म में रखना, क्या मिलेगा ए, जब ए और डी आ चुका होगा तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म बनाकर छोड़ देना, जल्दी से करिए, डू इट फास्ट। चलिए फिर फर्स्ट टू सेवन्थ एट नाइन टेन तक हमारे कंप्लीट है क्वेश्चंस, ठीक है, फिर मैंने स्किप करके क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझाया ही, आई होप कि आंसर आ गया होगा। अब बीच के कुछ क्वेश्चंस रह गए और फिर लास्ट के कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा सम का, ठीक है, तो ट्राई करिए घर बैठकर जितने क्वेश्चन हो रहे हैं एटमोस्ट जितने भी हो जाए, ठीक है, चलिए सी यू नेक्स्ट क्लास।